नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि है। राष्ट्रपिता बता चले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। इससे पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर लिखा, मैं पूज्य बापू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं उन सभी को श्रद्धांजलि देता हूँ जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। उनका बलिदान हमें लोगों की सेवा करने और हमारे राष्ट्र के लिए उनके सपने को पूरा करने की प्रेरणा देता है। मैं आपको बताया चले राहुल गांधी ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि बापू ने पूरे देश को प्रेम के साथ जीना और सच के लिए लड़ना सिखाया है। आज हम वही कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर बयान दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नीतीश कुमार ने गलत किया है, उन्हें एनडीए में नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश के जाने से बिहार में एनडीए को नुकसान ही होगा और इंडिया को फायदा होगा। वहीं अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत का दावा भी किया। देखिए, मेरा मुझे लगता है कि नीतीश जी को नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं किया, गलत किया उन्होंने। जनतंत्र के लिए इस तरह का कंडक्ट सही नहीं है। लेकिन जो मेरी अपनी समझ है लोगों की सोच की और जो रिएक्शंस आ रहे हैं, इससे एनडीए को फायदे की बजाय भारी नुकसान होगा बिहार के अंदर। ये तो रिजल्ट्स ही बताएंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि एनडीए को बिहार के अंदर इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। इंडिया गठबंधन को फ़ायदा होगा और आप लोग प्रार्थना कीजिए कि कल शायद इंडिया गठबंधन की पहली जीत का संदेश आ जाए चंडीगढ़ के चुनाव से। कल चंडीगढ़ के पोल्स हैं और नतीजे आएंगे कल। सर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में है और बिहार में राहुल गांधी की यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी ने बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर कई आरोप लगाए और जमकर हमलावर किए। राहुल गांधी ने कहा कि बड़े पैमाने पर देश में निजीकरण हो रहा है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान पिछड़े आदिवासियों और दलितों को हो रहा। राहुल ने मोदी सरकार पर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया। वहीं जातिगत जनगणना कराने की बात कही। नीतीश कुमार के एनडीए का दामन थामने पर राहुल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो सामाजिक न्याय का पहला कदम जाति जनगणना, यह पता लगाना कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, जनरल कास्ट के कितने हैं। यह देश का एक प्रकार से एक्सरे है। एक्सरे होने के बाद जो पिछड़ों की हिस्सेदारी बनती है, जो दलितों की हिस्सेदारी बनती है, वो उनको मिलने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। आजकल प्राइवेटाइजेशन होता है, नुकसान किसको होता है? ओबीसी वर्ग को होता है सबसे ज्यादा, गरीब लोगों को होता है, पिछड़ों को होता है, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को होता है। मोदी जी, अदानी जी की सरकार चलाते हैं, पूरा फायदा 2-3 बड़े अरबपतियों को मिलता है। खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां बीते दिनों सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी को राजनीति न करते हुए आपदा के बाद प्रदेश के विकास के लिए साथ मिलकर काम करने की अपील की। वहीं इस पर अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिमाचल का दुर्भाग्य रहा है कि जब से कांग्रेस की सरकार यहाँ आई है, इनका रोना बंद नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आपदा के समय पर हर वक्त हिमाचल की मदद करती आई है। कांग्रेस की सरकार आई, इनका रोना बंद नहीं हो रहा। ये पहले दिन से अब तक रो रहे हैं। इनके पार्टी के अंदर इनके कार्यकर्ता रो रहे हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इनके चुने हुए प्रतिनिधि रो रहे हैं कि उनकी अनदेखी हो रही है। और इनके मुखिया कह रहे हैं,
वो भी रोने का राग नहीं छोड़ रहे। मैं उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूँ। मोदी सरकार ने 2700 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत दिया और अब दिया आपदा के समय। 16,500 से ज्यादा नए मकान दिए, 5,500 अलग दिए, 21,000 से ज्यादा मकान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले एक साल में दिए, आपदा में मदद करते हुए दिए, जिसमें 1,30,000 रुपया एक मकान को ग्रामीण, तो 1.5 लाख रुपया। खबर अलवर जिले की कटुमर से है, जहां गांव तुसारी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में एक शिक्षिका और वार्डन के बीच मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके बाद इसका असर छात्राओं पर भी देखने को मिला। छात्राएं दो गुटों में बंटकर झगड़ते हुए नजर आई। शिक्षिका का आरोप है कि लाइट न होने पर रात को शिक्षिका छात्राओं को हिम्मत देने के लिए आई थी और शिक्षिका ने वार्डन को कई बार कॉल किए, लेकिन वो नहीं आई। वार्डन का कहना है कि शिक्षिका ने उसे अपशब्द कहे। बता दें, उपखंड अधिकारी सुनील चिंगोरिया के निर्देश पर सीबीईओ उमेश जैन, नोडल अधिकारी विराज चौहान पहुंचे। घटनास्थल पर स्कूल स्टाफ, छात्राओं और ग्रामीणों से चर्चा कर पूरी जानकारी दी है। जब जानकारी मिली कि ग्रामीण लोग कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में आकर एकत्रित हुए हैं और विद्यालय की व्यवस्था के बारे में उनकी कुछ शिकायतें थी, आने पर गाँव वालों ने बताया कि यहाँ जो शिक्षिकाएँ हैं वो आपस में उनमें मनमुटाव रहता है, जिस कारण जो है विद्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं वो दूषित हो रही हैं, गंदी हो रही हैं। आपस में जब गाँव वालों की शिकायत की जांच की गई, शिक्षिकाओं से बात की गई, बच्चों से बात की गई, तो ये पता लगा कि दो शिक्षिकाएँ आपस में किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। वही अलवर में विजय बंदर थाना पुलिस ने अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक बीते साल 31 अक्टूबर को जटियाना की पहाड़ी में अवैध खनन की सूचना मिली थी, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 JCB मशीन अवैध खनन करते हुए दिखाई थी। उस वक्त वहां मौजूद लोगों ने सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए उनको रोक दिया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए हर एक ट्रॉली पर 27,640 रुपए और 1 JCB मशीन पर 1,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मुकदमा नंबर 39 था। मैंने की गाड़ी आई जटियाना पहाड़ी में अवैध खनन कार्रवाई रोकने के लिए, उन पर जो है ट्रैक्टर चालकों द्वारा और उनके परिवारजनों द्वारा गाड़ी को रोक करके ट्रैक्टरों को निकाल दिया गया। ये जो वांछित JCB और ट्रैक्टर बरामद कर लिए हैं और मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। कितने आरोपी गिरफ्तार किए इस मामले में? इसमें 2 महिलाएं गिरफ्तार कर ली हैं और 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, ट्रैक्टर और JCB चालक और मालिक। ये शहर में भी ले जाते हैं, अन्य जगह जो मंगवाते हैं वहाँ से ले जाते हैं। जटियाना पहाड़ के गैर मुमकिन पहाड़ है, जो माइनिंग विभाग का है, उसमें बहुत खनन करके ले जाते हैं। पहाड़ों घरों के पास पहाड़ में खाने बनी हुई हैं, उनमें ट्रैक्टर लगाते हैं और जब कार्रवाई के लिए जाते हैं तो वो अपने घरों में खड़े कर लेते हैं। टिडवाना जिले के परबतसर में हाईवे पर आज सुबह एक ट्रक चालक ने परिवहन विभाग के अधिकारियों पर वसूली करने का आरोप लगाया और ट्रक पर ही फांसी लगाने का प्रयास किया। इस दौरान मौके पर परिवहन विभाग के अधिकारी और कई लोग मौजूद थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रक चालक अपनी ही ट्रक के पीछे हिस्से पर चढ़कर फांसी लगाने का प्रयास करता हुआ दिख रहा है, लेकिन गनीमत रही कि उपस्थित लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए ड्राइवर को फांसी लगाने से रोककर उसकी जान बचा ली। परिवहन विभाग के विभिन्न उड़नदस्तों द्वारा नियमित रूप से मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की पालना हेतु वाहनों की चेकिंग की जाती है। इस क्रम में कल श्री कन्हैयालाल परिवहन निरीक्षक द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, उस दौरान एक पंजाब नंबर की गाड़ी वहां से गुजर रही थी, उस गाड़ी को रोका। उस गाड़ी में मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। उस क्रम में इंस्पेक्टर द्वारा चालान बनाने का प्रयास किया गया, जिस चालान को बाधित करने के लिए ड्राइवर द्वारा न्यूसेंस वहां पर क्रिएट किया गया और इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। ड्राइवर द्वारा इस प्रकार के आरोप लगाना तथ्यहीन और बेबुनियाद। जोधपुर कमिश्नरेट के बासनी थाना पुलिस ने बीती शाम ट्रक से 110 बोरों में डोडा पोस्त बरामद किया है। बरामद पदार्थ की बाजार में कीमत 1.5 करोड़ बताई जा रही है। बता दें, पुलिस से बचने के लिए सीमेंट के ट्रक में ये पदार्थ ले जाया जा रहा था। वहीं पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
खबर रावत भाटा से है, जहां भैंसरोगढ़ पंचायत समिति के रेन खैरा ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उप जिलाधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों ने 3 पेज के ज्ञापन में बताया है कि रेन खैरा के ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच द्वारा भारी अनियमितताएं और वित्तीय घोटाला किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों को स्वायत्त शासन विभाग की विभिन्न योजनाओं में आवंटित बजट मिला, लेकिन किसी भी योजना का लाभ मैनपुर के ग्रामवासियों को नहीं मिल रहा। मैनपुर गाँव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। खबर झालावाड़ से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कार्यकर्ताओं को तबादलों के सिफारिशों से बचने की सलाह दी है। उन्होंने स्थानीय डाक बंगले में कार्यकर्ता स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसको संबोधित करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को जन समस्याओं के समाधान संबंधित कार्यों को प्राथमिकता देने की सलाह दी। उन्होंने जिले के विकास की चर्चा करते हुए आधारभूत ढांचे में 35 साल के दौरान हुए परिवर्तन को याद किया। और सब लोगों के लिए घूमने का वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपने और आपकी ताकत की वजह से 2 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका जो दिया आप लोगों ने, उसके लिए मैं बार बार आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी ताकत है जिसकी वजह से हम लोग वहाँ तक पहुँच भी सके। यहाँ जब लोग मेरे से पूछते हैं कि परिवार परिवार की बात आप लोग क्यों करते हो, ये राजनीतिक रिश्ता है। मैंने हमेशा उन लोगों को कहा, यह राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये है परिवार का, क्योंकि हम रोते बिलखते तो यहाँ आए थे। वहीं सर चित्तौड़गढ़ के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 7,86,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण आज से शुरू हो गया है। इसके लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया, साथ ही ब्लॉक में आने वाले स्कूलों को नोडल केंद्र बनाया गया है। वे अधिकारियों का कहना है कि अगर तय समय के अनुसार पुस्तकें वितरित करने में किसी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये लगभग 22/2/2024 तक चलेगा और PO स्तर से पुस्तक जा रहे हैं। कितनी की है और कितने बाकी हैं? 7,86,000 मेरे यहाँ पर आवंटन है और 70% बुक्स मेरे यहाँ पर आ चुकी है। इसका वितरण ब्लॉक वाइज। वहीं झुंझुनू के नोरंगपुरा ग्राम पंचायत के गांव सुनारी के बकड़िया के ढाणी के रहने वाले शहीद गुरदयाल सिंह बकड़िया को शहादत के 28 वर्ष बाद उनको शहीद दर्जा दिया गया है। समारोह में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शालिनी राज बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रही। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच नोरंगपुरा कमला भवरिया ने किया। बता दें, शहीद गुरदयाल सिंह बगड़िया की यूनिट की जम्मू कश्मीर के बटमालू में पोस्टिंग थी, जहाँ 13 अक्टूबर 1996 को आतंकवादियों से मुठभेड़ में वे शहीद हो गए थे। मैं हमारे क्षेत्र के श्री गुरदयाल जी, जो कि देश सुरक्षा में शहीद हो गए थे, उनको आज विधिवत रूप से शहीद का दर्जा दिया गया। इस संबंध में BSF के जो अधिकारी हैं वो जयपुर से यहाँ पधारे हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे क्षेत्र के जो जवान थे, जो उनको वीर को हम शहीद का दर्जा दिया है, और समस्त ग्रामवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। श्री गुरदयाल जी, जो कि 1996 में कश्मीर में अपने ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था, उनके परिवारजनों को जो कैजुअल्टी सर्टिफिकेट था, ऑपरेशनल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट, वो हमारे बल मुख्यालय जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल ने दिया था, और फ्रंटियर हेडक्वार्टर जोधपुर के आदेश के तहत हमें वो उनके परिवारजनों को समर्पित करना था, सौंपना था। इस मौके पर हम उपस्थित हुए और बहुत अच्छा लगा कि एडिशनल SP सालनी मैम भी आज यहाँ पे आए और इस गांव में अच्छा आयोजन किया गया, कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, तो बहुत अच्छा रहा। और हमने वो जो सर्टिफिकेट था उनके वीरंगना को सौंप दिया। जय हिंद। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेज TV के साथ। नमस्कार।